RPWD एक्ट 2016 पर जारी एडिशन ऑफ ऑनगोइंग डिस्कशन ऑन RPWD एक्ट 2016। हमने पिछली चर्चा के दौरान सेक्शन 50 तक खत्म कर दिया था। हम रजिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए विभिन्न संस्थाएं चलाई जाती हैं या इस्टेब्लिश करना है किसी को, तो उसके रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रावधान या उससे संबंधित चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 51 से प्रारंभ करेंगे। सेक्शन 51 रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित विस्तृत प्रावधान करता है। सेक्शन 51 के 6 उपखंड हैं। पहले उपखंड के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया है, यह प्रावधान किया गया है कि पंजीयन के लिए प्रत्येक प्रार्थना पत्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, सक्षम अधिकारी को, उस निर्धारित प्रार्थना आवेदन पत्र या आवेदन प्रारूप पर दिया जाएगा और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए दिया जाएगा जो राज्य सरकार निर्धारित करती है। अर्थात पंजीयन के लिए प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाएगा और उसके लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए जो विधि निर्धारित की गई, जो प्रक्रिया निर्धारित राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, उसके अनुसार वो प्रार्थना पत्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, सक्षम अधिकारी को दिया जाए। सबसेक्शन 2 उस प्रक्रिया पर बात करता है जो सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र मिलने पर अपनानी होती है। सक्षम अधिकारी को प्रार्थना पत्र मिलने के बाद सबसेक्शन 1 में क्या करना है? सक्षम अधिकारी ऐसी जांच करेगा, पूछताछ करेगा जैसी उसको आवश्यक महसूस हो और उस जांच के उपरांत संतुष्ट होने पर कि प्रार्थी वो सभी इस कानून की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, उन नियमों को पूरा करता है जो इस कानून के अंतर्गत बनाए गए हैं, तो क्या करेगा वो? अगर वो संतुष्ट है कि प्रार्थी कानून के सभी प्रावधानों और इस कानून के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उनका उनकी पूर्ति करता है, उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, उसमें निर्धारित शर्तों को पूर्ण करता है, तो क्या करेगा वो? इट शैल ग्रांट, वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट को दे देगा। और कितने दिन में? 90 दिन के अंदर। 90 दिन कब से काउंट होंगे? जब से प्रार्थना पत्र दिया गया। अर्थात जांच के बाद यदि सक्षम अधिकारी संतुष्ट हो कि प्रार्थी कानून और नियमों के अंतर्गत सभी शर्तों को, उस संस्था को चलाने या उस संस्था के निर्माण के लिए पूर्ण करता हो, तो प्रार्थना पत्र देने के या प्राप्ति के देने नहीं प्राप्ति के 90 दिन के अंदर प्रार्थी को पंजीयन प्रमाण पत्र दे देगा। और यदि वो संतुष्ट ना हो तो क्या करेगा? संतुष्ट ना होने पर वो सक्षम अधिकारी एक आदेश पारित करके पंजीयन प्रमाण पत्र देने से इनकार करेगा। लेकिन इसके लिए एक आवश्यक शर्त है।
इनकार करने के लिए आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी को प्रार्थी को सुनवाई के लिए एक समुचित अवसर प्रदान करना होगा, अर्थात प्रार्थी को मौका देने के बाद ही उसके प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट करके पंजीयन से इनकार कर सकता है सक्षम अधिकारी। यदि उसकी जांच में वो संतुष्ट नहीं होता कि वो सारी शर्तें पूरी करता है तो वो इनकार कर सकता है, लेकिन इनकार करने से पहले उसको प्रार्थी को समुचित अवसर देना होगा, उस आदेश को पारित करने से पूर्व उसको बताते हुए कि वो संतुष्ट नहीं है और किन किन कारणों से नहीं है, ताकि वो उनका उत्तर दे सके और उसको सुनवाई का पूर्ण अवसर मिले और उसके बाद ही पंजीयन से इनकार का आदेश पारित हो सकता है। और ऐसा आदेश प्रार्थी को लिखित रूप से कम्युनिकेट होगा, सूचित होगा, अधिसूचित होगा। अगर समुचित अवसर देने के बाद भी आदेश पारित होता है और सक्षम अधिकारी संतुष्ट नहीं होता कि प्रार्थी सारी शर्तों को पूरा करता है, तो वो आदेश प्रार्थी को कारणों सहित उसको भेजा जाएगा और यह लिखित आदेश होना चाहिए। सबसेक्शन 3 यह निर्धारित करता है, यह प्रावधान करता है कि पंजीयन का कोई भी प्रमाण पत्र सबसेक्शन 2 में उस समय तक नहीं दिया जाएगा, अर्थात पंजीयन नहीं किया जाएगा उस समय तक जब तक कि जो जिस इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात है, जिस संस्था के एस्टेब्लिशमेंट की बात है, मान लीजिए कोई हॉस्टल बनना है तो हॉस्टल, जिस हॉस्टल के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है पंजीयन के लिए, उस हॉस्टल को चलाने वाली संस्था जब तक ये संतुष्ट ना कर दे सक्षम अधिकारी को कि वो सभी आवश्यक, उस हॉस्टल के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं देने की स्थिति में है और साथ ही साथ उस हॉस्टल को चलाने के लिए जो भी मापदंड हैं निर्धारित हैं राज्य सरकार द्वारा, उनको पूर्ण करने की स्थिति में है, अर्थात अगर राज्य सरकार ने छात्रावास के संबंध में कोई नियम बनाए हुए हैं कि छात्रावास अगर चलेगा तो छात्रावास में क्या क्या सुविधाएं होंगी, फ्री फूडिंग होगी, लॉजिंग होगी, फूड लॉजिंग के संबंध में सुरक्षा किस तरह से होगी, सफाई का स्तर क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी क्या सुविधाएं होंगी आदि आदि, तो उन पैरामीटर्स को पूरे करने की स्थिति में जब तक ना हो तब तक पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। और पंजीयन प्रमाण पत्र अगर नहीं दिया जाएगा तो वो संस्था चल नहीं सकती, एस्टेब्लिश नहीं हो सकती और कंटिन्यू नहीं कर सकती। सबसेक्शन 4 यह निर्धारित करता है कि किन स्थितियों में, किन स्थितियों में जो पंजीयन दे दिया गया सबसेक्शन 2 में वो कब तक, किन स्थितियों में नहीं कब तक वो वैलिड रहेगा या प्रभावी रहेगा। तो उसके अनुसार सबसेक्शन 4 का ए ये कहता है कि वो उस समय तक वैध रहेगा
उस समय तक प्रभावी रहेगा जब तक कि उस अवधि तक प्रभावी रहेगा जब तक के लिए वह दिया गया है। अर्थात मान लीजिए 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया है तो उस पूरे 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा, लेकिन अगर उससे पहले वो रिवोक हो जाता है तो वो 5 साल से पहले भी प्रभावी हो सकता है। अर्थात इसको रिवोक करने की पावर है, और अगर वो पावर एक्सरसाइज हो तो बेशक 5 साल के लिए दिया गया है और उससे पहले अगर रिवोक हो गया तो वो उसी समय समाप्त माना जाएगा। सबसेक्शन 4(b) में प्रोविजन किया गया है कि अगर निर्धारित अवधि के बाद वो पंजीयन समय समय पर रिन्यू भी किया जा सकता है निर्धारित अवधि के लिए। और इसका सी जो है ये बताता है कि पंजीयन प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र पर होगा और ऐसी शर्तों के साथ होगा जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। सबसेक्शन 5 यह प्रावधान करता है कि रिन्यूअल के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र, नवीनीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रार्थना पत्र उसकी अवधि समाप्त होने के 60 दिन पूर्व दिया जाना चाहिए, ताकि अवधि समाप्त होने से पहले उसके रिन्यूअल पर फैसला हो सके। सबसेक्शन 6 यह दायित्व संबंधित संस्था पर आयत करता है कि जो प्रमाण पत्र है, पंजीयन प्रमाण पत्र है, वो किसी ऐसी जगह पर संस्था की प्रदर्शित किया जाएगा, डिस्प्लेड होगा, जो प्रोमिनेंट हो, जिसे देखा जा सके है आम आदमियों द्वारा। और सबसेक्शन 7 कहता है कि हर प्रार्थना पत्र जो चाहे सबसेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया हो या सबसेक्शन 5 में रिन्यूअल के लिए दिया गया हो, वो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर उसका निस्तारण करना होगा। ये सेक्शन 51 है। फ्रेंड्स, सेक्शन 51 डील्स विद द मैनर ऑफ एप्लीकेशन टू बी मेड फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर द एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इट हैज 7 सबसेक्शंस। द फर्स्ट सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 51 provides that the application for registration has to be made by the competent authority. And you know who designates the competent authority? The state government. And it should be in such form and in such manner as may be prescribed by the state government. So, the procedure for filing application and procedure for filing application and the form of the application for registration shall be prescribed by whom? By the state government. Subsection 2 provides for the procedure to be followed
by the competent authority on receiving the application under subsection 1 for registration. And according to this subsection, it is the duty of the competent authority to make such inquiries as it may deem fit after receiving the application with regard to the facts stated in the application. And if the competent authority is satisfied that the applicant has complied with what? The requirement of the Act and rules made under this Act. If the competent authority is satisfied that the applicant meets all the requirements under the Act as well as rules made there under this Act, in fact, under this Act and rules made under this Act, then what shall it do? It shall grant a certificate of registration to the applicant within a period of 90 days. This is the limit, 90 days from the receipt of application. So, the limit for deciding the application is 90 days. And there could be another possibility that after inquiry, the competent authority finds that the applicant does not meet the requirement of the Act and rules. In that case, and also does not meet the standards prescribed by the state government for such institution, then what does it do? It may, by order, in writing, refuse to grant the certificate. But this he can't do before he gives this order of refusal to grant registration cannot be passed by him before the competent authority gives the applicant a reasonable opportunity of being heard. That means if supposing the competent authority comes to the conclusion after inquiry that the applicant does not meet the requirements of the Act and the rules, in that eventuality, he may proceed or he may proceed to decide the application by passing an order of refusing to register or grant registration. But before he passes such order in writing, the competent authority will have to give a reasonable opportunity to the applicant on the basis of its finding about the discrepancies, shortfalls in meeting the requirement of the Act and rules. And after having given that reasonable opportunity, if the competent authority still feels that the applicant is not able to comply with the requirements of the Act, then only he can pass an order in writing refusing to grant the registration certificate to the institute. And after having passed such an order, it is the duty of the competent authority, order for refusal to grant certificate, it is the duty of the competent authority to communicate to the applicant in writing the said order. So, before refusing to grant the registration and pass such orders, the principle of natural justice has been inbuilt in this provision, and it makes it mandatory to the competent authority to grant a reasonable opportunity against the refusal to grant registration. Subsection 3 mandates or deals or provides
that no certificate of registration shall be granted to an institution for which application has been made, which is not in a position to provide such facilities and meet such standards as prescribed by the state government. So it is the state government which designates the competent authority. It is the state government which prescribes the procedure for making an application, the form for making an application, the procedure to deal with the application, and also it is the state government which lays down the standards for each of the activities or facilities to be provided by the institution, which they are required mandatorily to provide. And if they are not in a position to provide, then the application can, the certificate cannot be granted. Now, subsection 4 deals with the what is the effect of certificate of registration and up to when it is valid and so on and so forth. The certificate, according to it, this section, the certificate granted to any institution under subsection 2 shall be valid and shall remain in force for such period as may be prescribed by the state government. The state government may fix time for which a registration shall remain valid. But if it is revoked earlier to the fixed period, then it shall discontinue to have any effect and it shall become invalid from the date of revocation. The competent authority has power, in other words, to revoke the registration even before the expiry of the period for which it has been granted. B of subsection 4 of this section provides for renewal of the registration certificate from time to time. That means if the registration initially is granted for 5 years, you have a right to seek renewal of the registration after every 5 years, so that the continuity of the institutions are maintained. Today you open a hostel for girls and you are granted a registration for 5 years. And if this renewal clause would not have been done or would not have been inbuilt, then what would have happened? You would have again started afresh to obtain registration, which was illogical, and it would have acted as a deterrent for establishment and maintenance of such institutions. So therefore, this provides for renewal of the registration certificate from time to time. And C provides that the registration certificate shall be in such form as may be prescribed by the state government, and also will be subject to such conditions as may be prescribed by the state government. Subsection 5 deals with the time limit or within the period within which you have to apply for renewal of the registration. And it provides that every application for renewal of registration certificate has to be made 60 days prior to the expiry of the registration certificate. So
So you have to apply for renewal of the registration certificate 2 months or 60 days before the expiry of the validity of registration certificate. And this is so because it will then give you and give the competent authority time to renew the registration certificate as in continuity. Subsection 6 makes it obligatory upon every institution to display the copy of registration certificate in a conspicuous place so that anyone can see. It is not to be kept in Almira for transparency purposes. And subsection 7 provides that the application made for registration of institution under subsection 1 or for renewal of the registration under subsection 5 has to be disposed of by the competent authority within such period as may be prescribed. Who prescribes? Again, the state government. अब हम सेक्शन 52 पे आते हैं और सेक्शन 52 में आने से पहले गौतम अग्रवाल जी के एनएफबी इंडिया पे दो प्रश्न थे आज, अगर मैंने मुझे ठीक से याद है तो उन्होंने एक तो ये पूछा था कि अगर कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वो कई संस्थान चलाता है तो क्या उसको बार बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? हाँ, जरूर कराना पड़ेगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन का है, उस संस्था, उस एक्टिविटी का है, उस गतिविधि का है जो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या छोटा ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एक्टिविटी चलाना चाहता है। जैसे हमारे हॉस्टल्स हैं, दिल्ली में हैं, जबलपुर में हैं, तो हमें दिल्ली में भी अप्लाई करना पड़ेगा, हमें जबलपुर में भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। हमारे कानपुर में स्कूल है तो हमें कानपुर में भी रजिस्ट्रेशन करना। तो एक तो आपका आंसर ये हुआ। दूसरा आपने पूछा था कि अगर किसी का पुराने एक्ट में रजिस्ट्रेशन है क्या उसको कराना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि उसकी वैलिडिटी तो आप समझते हैं कि ख़त्म हो गई होगी, और यहाँ पर प्रोसीजर भी बिल्कुल डिफरेंट अडॉप्ट कर दिया होगा। अब नए एक्ट में नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते, हाँ, लेकिन वो तब तक वैलिड जरूर रहेगा अगर आपने एप्लीकेशन दे दी और उसका डिस्पोजल दिया, ताकि इंस्टीट्यूशंस की कंटिन्यूटी बनी रहे। मैं समझता हूँ यही दो प्रश्न थे गौतम जी के, उसको मैंने जवाब दे दिया है। और गौतम जी, आप एनएफबी इंडिया पे रोज पूछ लिया कीजिए, आप नहीं भेज पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं कोशिश करूंगा याद रख के आपको रोज जवाब दे सकूं। आपका जो आपने कहा था शायद 39-40 पे भी आपके कोई प्रश्न थे तो आप कल जरूर बता दीजिए, तो मैं उनका जवाब कल शाम को जरूर दे दूंगा। अब हम सेक्शन 52 पर आते हैं, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने अभी आपको कहा था कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको रिवोक भी कर सकती है। जब हमने सेक्शन 4A की चर्चा की थी तो उस समय आपको बताया था, तो ये जो रिवोकेशन का प्रोसीजर है उससे संबंधित सेक्शन 52 है। और सेक्शन 52 में कुल जो उपखंड है वो दो है, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन उपखंड दो। तो सेक्शन 52 का एक उपखंड जो एक है वो बताता है कि किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में सक्षम अधिकारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को रिवोक कर सकता है उसकी एक्सपायरी से पहले, उसकी निर्धारित जो
अवधि है उसकी वैधता की उससे पूर्व। तो इसके मुताबिक यदि सक्षम अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण उसके पास मौजूद है कि जिसके पास पंजीयन है उस इंस्टीट्यूशन ने अपने प्रार्थना पत्र में रिन्यूअल के सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय कोई गलत बयानी की थी या कोई झूठा तथ्य और विषय वस्तु प्रस्तुत की थी, तो वो सक्षम अधिकारी इस स्थिति में रिवोक कर सकता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरी स्थिति कौन सी हो सकती है? दूसरी स्थिति जो सेक्शन बी सब सेक्शन वन के सब बी में कहा गया है कि उसने जिसके पास पंजीयन प्रमाण पत्र है उसने किसी नियम का या किसी शर्त का जो पंजीयन प्रमाण पत्र में थी उल्लंघन किया है, तो वो ऐसी स्थिति में इन दोनों परिस्थितियों में समुचित जांच करके जैसा उसे उचित लगे एक आदेश पारित कर पंजीयन प्रमाण पत्र को रिवोक कर सकता है, समाप्त कर सकता है। किंतु ये जो पंजीयन प्रमाण पत्र को समाप्त करने का अवधि से पहले अधिकार है या आदेश पारित करने का जो जो शक्ति है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, यह ऐसा आदेश उस समय तक पारित नहीं कर सकता सक्षम अधिकारी जब तक कि जो पंजीयन प्रमाण पत्र धारक है उसको कारण बताओ नोटिस जारी ना करे, अर्थात उसको अपॉर्चुनिटी ना दे उसको शोकास देकर ये ना उसका पक्ष ना सुन ले कि क्यों ना प्रमाण पत्र रद्द किया जाए, रिवोक किया जाए, समाप्त किया जाए अवधि से पहले। सबसेक्शन टू जो इसके परिणाम बताता है, अगर रिवोक हो जाता है तो क्या परिणाम होगा? अगर किसी संस्था के का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो जाता है सबसेक्शन वन में, तो उस संस्था को कार्य रिवोकेशन की तिथि से समाप्त होने की तिथि से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के समाप्त होने की तिथि से उस संस्था को काम करना बंद करना होगा। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, किंतु अगर इस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि अगले सेक्शन में हम ऑर्डर अपील की बात करेंगे, अगर रिवोकेशन के ऑर्डर के विरुद्ध सेक्शन 33 में अपील दायर की गई है उस संस्था द्वारा, तो अगर अपील डाल दी गई है तो ये संस्था काम करना बंद नहीं करेगी। नहीं, अगर रिवोकेशन के विरुद्ध सेक्शन 53 में अपील लाई करती है
और उसने अपील कब वो इंस्टीट्यूशन काम करना बंद करेगा अगर अपील लाई करती है तो, अगर उसने कोई अपील प्रिफर नहीं की, अपील का उसको अधिकार था लेकिन अपील प्रिफर नहीं की तो जिस जितने दिन की अवधि है अपील की, मान लीजिए रूल्स में ये प्रोविजन हो कि या सेक्शन में कि 30 दिन के अंदर रिवोकेशन ऑर्डर की अपील होनी चाहिए, और अगर 30 दिन के अंदर अपील नहीं की गई रिवोकेशन ऑर्डर की के खिलाफ, तो 30 दिन की एक्सपायरी के बाद वो संस्था को बंद होना पड़ेगा। और जहां पे अपील लाई करती और अपील दायर की गई और वो जो रिवोकेशन का ऑर्डर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को समाप्त करने का जो आदेश है, उसको अपीलेट अथॉरिटी अपहेल्ड कर लेती है, अपीलेट अथॉरिटी भी मानती कि ऑर्डर ठीक है, तो जिस दिन वो अपील का ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से उस संस्था को रिवोकेशन के कारण काम करना बंद कर देना होगा। सबसेक्शन 3 उस परिस्थिति की बात करती है कि अगर मान लीजिए रिवोकेशन के बाद कोई संस्था बंद हो जाती है तो वहां के इनमेट्स के लिए क्या क्या, उनके इंटरेस्ट को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसके मुताबिक अगर जब ये संस्था कोई संस्था बंद हो जाती है तो सक्षम अधिकारी रिवोकेशन के कारण बंद हो जाती है तो सक्षम अधिकारी ऐसे किसी दिव्यांग जन को जो उसका उस संस्था में रहता था या लाभार्थी था तो वो क्या करेगा, उस बच्चे या उस व्यक्ति के की कस्टडी इंस्टीट्यूशन की जगह किसके पास देगा, उसके पेरेंट्स को या उसके स्पाउस को या उसके लॉफुल गार्जियन को, जैसी भी स्थिति हो। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि उन सबको किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित या सक्षम अधिकारी द्वारा किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में जिसको उचित समझे वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाए। और सबसेक्शन 4 ये कहता है कि संस्था जैसे ही ये रिवोकेशन हो जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, तो उसके तुरंत बाद उस सर्टिफिकेट को सरेंडर कर देगी किसको, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस इज द सेक्शन विद रिगार्ड टू रिवोकेशन। नाउ वी कम टू सेक्शन 52 विच इज रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इट हैज 4 सबसेक्शंस। इट डील्स विद द मैनर ऑफ रिवोकेशन एंड इफेक्ट ऑफ रिवोकेशन। सेक्शन 52(1) प्रोवाइड्स दैट इफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज रीजन टू बिलीव दैट ए होल्डर ऑफ ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट which is granted under subsection 1, subsection 2 of section 51 has done either of these two things: A, made a false statement in relation to any application for the issue of renewal of certificate, which is false in material particulars or incorrect in material particulars, or second eventuality is committed or caused to be committed any breach of rules
or any conditions subject to which the registration certificate was given. What shall it do? It may first undertake an inquiry into the aforementioned circumstances as it deems fit, and after having done that, it may order revoking the certificate. But before passing the order for revoking the certificate, it has to give a show cause notice and reasonable opportunity of being heard against the proposed order of revocation of certificate. Subsection 2 deals with the effect of revocation of certificate. It provides that where a certificate of registration has of any institution has been revoked under subsection 1, then what will happen? Such institution shall cease to function. From which date? From the date of such revocation. But there is an exception, that if the appeal under section 53 against the order of revocation lies, such institutions shall cease to function when A, where no appeal has been preferred immediately on the expiry of the period prescribed for preferring an appeal. Supposing if there is a provision that the appeal against the order of revocation may be filed within 30 days. So, if no appeal has been preferred within 30 days, then in that eventuality, the institution shall cease to function immediately after the expiry of 30 days. Or where such appeal has been preferred under section 53, but the order of revocation has been upheld by the appellate authority, then from the date of passing the order by the appellate authority, the institution will cease to function. Subsection 3 deals with the aspect of rehabilitation of the inmates of the institution whose registration has been revoked and has ceased to function because of that revocation. It says that any person who is an inmate of such institution, the competent authority has the option A, of restoring the custody of such person with disability to his or her parents, spouse, or lawful guardian, as the case may be, or B, transfer all inmates to any other institutions as specified by the competent authority itself. Transfer all of them. And subsection 4 provides that after the revocation of registration certificate, every institution shall immediately surrender the registration certificate to the competent authority. This completes section 52. आज हमें लगता है कि यहीं पर हम विराम लें, और अब आप 5 मिनट के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं।
Is there any guidelines or criteria for an organizer of the institute? Different states are coming up with their own rules, set of rules and guidelines regarding registration. Because as you saw, this chapter deals with the registration which is in the domain of state governments. Therefore, the provisions are not made in the central rules, but each state have incorporated relevant provisions with regard to registration certificate, issuance, revocation, application, competent authority, and so on and so forth. So you will find in every state rules these guidelines, standards, or procedures. सर मैं धर्मराज ये जानना चाहता हूँ कि यदि यह लाभार्थी छात्र 18 साल की उम्र पूरा कर लिया रहे तो उसे नहीं दी जा सकती है संस्था? नहीं, संस्था किसी छात्र को नहीं दी जाएगी, दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में छात्रों को या वहां के लाभार्थियों को दूसरे किसी संस्था में ट्रांसफर कर सकता है कॉम्प्यूटर। ये ओनरशिप का सवाल नहीं है कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दें किसी और, वो नहीं, वो संभव भी नहीं है, क्योंकि उस संस्था का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा तुरंत रिवोकेशन के बाद। अभी आपको बताया वो चल ही नहीं सकती, देने की तो बात ही दूर है कि कौन चलाएगा। मैं समझता हूँ कि और कोई प्रश्न है नहीं, तो आप सबको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक के लिए आगे चाहूँगा। आई थैंक यू ऑल फॉर टुडे। गुड बाय टिल टुमारो।